यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। अब बात बड़ी खबर की करेंगे, जहां पे ग्राम सचिवों के विरोध प्रदर्शन में समर्थन देने पहुंचे हैं विपक्ष के नेता और नेता विपक्ष अभय चौटाला। रोहतक में ये प्रदर्शन चल रहा है, जहां पे सरपंच और ग्राम सचिवों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और समर्थन दिया है अभय चौटाला ने। बड़ी बात यह है कि लगातार इनेलो इस बात का ऐलान कर रही है कि वो उनके समर्थन को, उनके विरोध को लगातार समर्थन देगी। और एक बार फिर से अभय चौटाला ने पहुंच के समर्थन दिया है सरपंच ग्राम सचिवों के धरने स्थल पर पहुंचे अभय चौटाला। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि ग्राम सचिवों के धरने को अपना समर्थन दिया है। वैसे भी लगातार इस बात का ऐलान करते रहे हैं इनेलो पार्टी की, अगर ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव या सरपंच इस बात का विरोध करते हैं कि सरपंचों की जो कार्य प्रणाली है उसको ई प्रणाली से जोड़ा जाता है और उसको लेकर अगर वो विरोध करते हैं तो इनेलो पार्टी उनके विरोध प्रदर्शन को पूरा सहयोग देगी, पूरा समर्थन देगी। उसी समर्थन को जताने के लिए रोहतक में पहुंचे हैं अभय चौटाला और अपना समर्थन दिया है। अभय चौटाला ने इसके पहले भी बयान दिए हैं कि ये सरपंचों के अधिकारों का हनन है और ई प्रणाली का विरोध लगातार कर रहे हैं। आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर अभय चौटाला की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर वो पहुँचे हैं और तमाम सरपंचों और ग्राम सचिवों के बीच में बैठकर उनकी बात भी सुन रहे हैं। उनके साथ इनेलो के कुछ और नेता भी शामिल हैं और सुरेंद्र सिंह हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभय चौटाला ने इस बात का ऐलान किया है कि अब वो समर्थन दे रहे हैं। सुरेंद्र, क्या इसका असर ग्राम प्रधानों, ग्राम सचिवों और सरपंचों पर पड़ेगा? देखिए, आज जो इनेलो के नेता हैं नेता अभय सिंह चौटाला, आज जो सरपंच और जो ग्राम सचिव लगातार धरने पर अपनी मांगों को लेकर रोहतक ब्लॉक जो समिति का जो ऑफिस है रोहतक में वहां पे बैठे हुए हैं, उनको समर्थन देने के लिए वो पहुंचे हुए हैं। और उनके कहना है कि जो ई प्रणाली है वो सरपंचों को परेशान करने के इरादे से सरकार ने लागू कर रही है। हमने पहले भी इसका विरोध किया था, जिस तरह से जो पंचायतों पढ़ी लिखी पंचायतों के बनाने का ये थोपी गई है, क्योंकि उनमें जो पढ़े लिखे नहीं है और जो पढ़े लिखे उनमें बांटने का काम सरकार कर रही है और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बातें करते थे और भ्रष्टाचार के इन पर कई आरोप है। उनका यह भी कहना था कि इनेलो का दावा था कि इनके जो घोटाले हैं वो एक के बाद एक जनता के सामने लाएंगे। अभी एक दवा घोटाला आया है और भी जो घोटाले हैं इनके वो सामने आएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। तो मुख्यमंत्री, विपक्ष नेता अभय चौटाला पहुंचे हैं रोहतक, जहां पे समर्थन दिया है और लगातार मुख्यमंत्री से इस बात की मांग कर रहे हैं कि ई प्रणाली से सरपंचों को नहीं जोड़ा जाए, सरपंचों के अधिकारों का हनन होगा।